दोस्तों मार्केट डेली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 3 दिसंबर को मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मूवमेंट आएगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं, डेली व्यू, वीकली व्यू और टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो रहते हैं, वो देखकर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कि 3 दिसंबर को मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो आज आप देखोगे तो निफ्टी एक 7 पॉइंट डाउन क्लोज हुआ है, तो ये ज्यादा कोई डाउन नहीं गया है। और यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी देखो तो 74 पॉइंट डाउन है। लेकिन अब जैसे चार्ट देखते हो तो यहाँ पे आपका एक बड़ा रेड कैंडल दिख रहा है, तो कि मार्केट ऊपर ओपन हुआ था फिर से नीचे जाके ड्रैग हो गया। सबको एक्सपेक्टेशन था कि जीडीपी अगर खराब आ गया तो मार्केट ज्यादा ही नेगेटिव रहेगा, लेकिन इतना नेगेटिव नहीं हुआ। लेकिन अभी चार्ट पे देखो तो थोड़ा ऐसा नेगेटिव लग रहा है, तो क्योंकि ऊपर ओपन हो गया तो ऐसा दिखेगा ही। यहाँ पे मार्केट ज्यादा नेगेटिव नहीं हुआ, इसका वजह ये भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको वीकली में बताया था कि फ्राइडे को मार्केट ऑलरेडी नीचे गिरा था 100 पॉइंट, तो उसके बाद और जो है कि डिस्काउंट हो गया अगर न्यूज तो ज्यादा नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे हमारे लिए जो 12,000 का सपोर्ट था वो मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया है। तो यहाँ पे हम लोग नहीं बोल सकते कि मार्केट एक निगेटिविटी दिखा रहा है, तो ये थोड़ा साइडवेज भी हो सकता है। जब तक 12,000 अगर मेंटेन कर रहा है मार्केट, तो यहाँ पे ये उम्मीद है कि ये फिर से रिवर्स हो सकता है। मैंने आपको और भी नीचे वाले इंपोर्टेंस लेवल बताते हैं 11,983, तो आज वहां तक आया भी नहीं मार्केट और वो ब्रेक भी नहीं किया। ये जो लॉन्ग साइड के लिए है उनके लिए बहुत अच्छा है। और ट्रेंड लाइन जो हमने निकाला था उसके एक थोड़ा सा यहाँ पे एक नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन बहुत स्टीप है और बहुत नजदीक वाला है। और वैसे भी अगर ट्रेंड लाइन के नीचे 2 दिन क्लोज होता है तो हम लोग थोड़ा वो नेगेटिव समझते हैं। तो और भी एक दिन अब देख सकते हैं मार्केट के लिए। फिलहाल जो मार्केट का सेंटीमेंट जो आज क्लोज हुआ है, तो वो उसको हम लोग एक साइडवेज सेंटीमेंट करके लेंगे। तो जब भी फंडामेंटल ये होता है, हावी होता है मार्केट के ऊपर, तो जो यहाँ पे आप एक कंफर्म उसका ट्रेंड नहीं बता सकते। फिर भी जैसे कि थोड़ा अप ट्रेंड से थोड़ा एक साइडवेज हो गया है। इंपॉर्टेंस जो लेवल है नीचे वाला 12,040 था, उसके वहां से नीचे जाने के बाद फिर से मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है। जब भी 12,000 के नीचे क्लोज होगा एक निगेटिविटी आ सकती है। कल आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है तो यहाँ पे 12,012,034 जो लेवल रहेगा उसके नीचे आप इसको शॉर्ट कर सकते हो निफ्टी को। बाइंग के लिए 12,084 12,084 जो है कि उसके ऊपर आप बाइंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी तो बढ़ा है, तो जैसे कि आप दोनों में कैंडल देखो मार्केट में डाउन साइड ज्यादा नहीं गया ऐसा लग रहा है अगर आप नंबर से देखो, लेकिन ओवरऑल देखो तो यहाँ से ऊपर ओपन होने के बाद यहाँ से बहुत अच्छा सेलिंग यहाँ पे आ गया है। और फ्राइडे का और अगर आप आज का कैंडल देखो तो दोनों भी एक बड़े कैंडल थे, तो इसे पता चलता है कि मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी अभी आ रहा है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर लेवल के साथ और टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बैंक निफ्टी कि बैंक निफ्टी जो है ऑलवेज मुझे निफ्टी से निफ्टी इतना यहाँ पे नेगेटिव नहीं लग रहा है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे कोई नेगेटिव का कोई साइन दिया नहीं है, एक नॉर्मल ट्रेडिंग डे जैसे ही यहाँ पे ट्रेडिंग डे था। और जैसे कि आने वाला 5 दिसंबर को आरबीआई पॉलिसी है, बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो इसलिए भी मार्केट ने होल्ड किया होगा। और मार्केट डिसीजन बाद में लेगा कि जब आरबीआई पॉलिसी का कुछ आता है, रेट कट आता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ कम हो गया तो रेट कट करने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसके एक्सपेक्टेशन में आने वाले कुछ दिन में मार्केट यहाँ पे रन कर सकता है। तो बैंक निफ्टी अपना जो एक सपोर्ट था अच्छा वाला 31,788, तो उसके ऊपर ही है, तो ज्यादा यहाँ पे निगेटिविटी है नहीं है। और ये ट्रेंड लाइन भी देख रहे हो तो यहाँ से भी दूर है, तो बैंक निफ्टी निफ्टी से भी अच्छा पोजीशन में है। नेक्स्ट कल आपको अगर बाई करना है बैंक निफ्टी में तो 31,912 के ऊपर आप बाई कर सकते हो। शॉर्ट के लिए 31,788 के नीचे इसको शॉर्ट कर सकते हो। बैंक निफ्टी का ट्रेंड जो है अभी तक बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, तो ये थोड़ा पॉजिटिव साइड मुझे लग रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे देखिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का यहाँ पे मैंने बहुत बार आपको बताया 1303 के यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद मैंने इसका एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकाला था, और उसका पूरा जो टारगेट था, एक फाइनल टारगेट था 1594,
आज वहां से जाके रिलायंस इंडस्ट्री में थोड़ा एक सेलिंग का कैंडल है, ये जस्ट लाइक जैसे कि दूजे टाइप भी नहीं है, शूटिंग स्टार्ट भी नहीं है, लेकिन एक नेगेटिव कैंडल है, ऊपर से भी सेलिंग बता रहा है। तो यहाँ पे एक ये जो टारगेट होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे सेल ऑफ आता है। तो यहाँ पे अगर आप कल के लिए रिलायंस इंडस्ट्री में देख रहे हो तो कल के जो लेवल रहेंगे बाइंग के रहेंगे 1592 के ऊपर यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, सेलिंग के लिए 1584 के नीचे सेलिंग कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे और भी प्रॉफिट बुकिंग होने का ये मुझे मौका लग रहा है, या थोड़ा नीचे आने का यहाँ पे मुझे चांस लग रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कल के लिए कौन से स्टॉक में जो लेवल्स है बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए इंट्राडे में। तो हम पहले शुरुआत करते हैं एस बैंक से, यह भी अच्छी टक्का गिरा है। तो एस बैंक मोस्ट ट्रेडर फेवरेट होता है, तो बहुत सारे लोग इसमें पूछते हैं। यहाँ पे देखिए कि मैंने एक लेवल बनाया था और जो है 63, यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग का लेवल बहुत अच्छा मिलता है, अगर ये 63 ब्रेक करता है तो डायरेक्ट 59 के आसपास यहाँ पे आ सकता है। तो ये 63 ब्रेक करने के बाद आप इसमें एक शॉर्ट कर सकते हो, बाइंग का लेवल 65-35 के ऊपर इसमें बाइंग आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है कोटक बैंक, तो यहाँ पे देखिए कोटक बैंक का जो शेयर है यहाँ पे बहुत बार जो आज यहाँ पे गया था वहाँ पे बहुत बार उसने रेजिस्टेंस लिया है 1634 के आसपास। तो आज भी एक हाई बना के थोड़ा सा यहाँ से नीचे आया, तो कल के लिए भी अगर आपको थोड़ा ऊपर आप देखेंगे तो उसका आज हाई का लेवल है 1636 के ऊपर, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेड मिल सकता है इंट्राडे के लिए। नेक्स्ट जो स्टॉक है हम देखेंगे जेएलडब्ल्यू स्टील। तो यहाँ पे देखिए जेएलडब्ल्यू स्टील में कुछ एकदम बड़ा कैंडल नहीं आया, लेकिन एक डोजी टाइप कैंडल आया अगर ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन होने के बाद, और जिसने हाई बनाया तो ये दो दिन का सेम हाई बनता है। अगर ऐसा वाला अगर हाई कोई ब्रेक करता है तो एक स्टॉक में आपको एक मोमेंटम मिल जाता है, तो 269 के ऊपर अगर ये ब्रेक होता है तो इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो इंट्राडे के लिए बाइंग के लिए। तो दोस्तों इतने स्टॉक है जो मैं यहाँ पे कवर किए, ये जो मेरे लेवल्स है टेक्निकल लेवल्स है, ऐसा कुछ नहीं मार्केट ऐसा ही चलना चाहिए। ये स्टॉक में आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इन स्टॉक में ट्रेड कीजिए। और दोस्तों ऐसे आपको टेक्निकल से सीखना है लाइव मार्केट में तो मेरे पास आके मुंबई थाने में आके आप सीख सकते हो, तो इसके डिटेल में यहाँ पे आपको देता हूँ। यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।